हेलो इंजीनियर्स, मैं इंजीनियर आकाश बोर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल सिविल गुरुजी में। आज के इस खास वीडियो लेक्चर पे मैं आपसे डिटेल पे बात करने वाला हूं टू वे स्लैब के बारे में, जो कि आज का बहुत खास वीडियो होने वाला है। आपके बहुत सारे रिक्वेस्ट पर मैंने ये वीडियो बनाया है, क्योंकि आई नो आपने जितनी मुझसे रिक्वेस्ट की जब हमने वन वे स्लैब का वीडियो लेकर आया कि सर टू वे स्लैब के बारे में बताइए, इसी तरह से बताइए, क्योंकि आपको वो वीडियोज बहुत अच्छे लग रहे थे। तो इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है कि मैं आप लोग के लिए और अच्छे अच्छे वीडियोज लेके आते जाऊँ। इसलिए मैंने इस वीडियो में बहुत मेहनत की आपके लिए। टू वे स्लैब को मैं जितना आसान तरीके से आपको बता सकता हूँ मैं आपको बताऊंगा। तो आइए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं, हाउ टू अंडरस्टैंड टू वे स्लैब। आज पूरा डिटेल पे हम बात करेंगे इस वीडियो लेक्चर पे टू वे स्लैब के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं, और शुरू करने से पहले जो सबसे पहली चीज मैं आपको बता दूं कि जो इसका फर्स्ट पार्ट है, जो भी हमारे नए व्यूअर्स हमारे साथ जुड़े, अगर वो नए जुड़े हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इतने इंपॉर्टेंट वीडियोस आपको मिलते रहे। बेल का आइकॉन जरूर दबा लें और इस वीडियो को लाइक जरूर करके जाइएगा, क्योंकि जब आप लाइक करते हैं तो हमें उत्साह मिलता है और वीडियो बनाने का मोटिव जागता है। तो इसका पहला वाला वीडियो है वन वे स्लैब के बारे में, क्योंकि बहुत सारी इंपॉर्टेंट डिटेल्स जो आज इस वीडियो में मैं कवर नहीं करने वाला हूं, वो मैंने वन वे स्लैब के वीडियो में बता चुका है। तो आप जाकर यहां पर आई बटन देख रहे हैं, आई बटन पर जाइएगा और यहां सारे वीडियो की लिस्ट, आज जो जो इंपॉर्टेंट वीडियोस के बारे में हम चर्चा करेंगे, बहुत सारे वीडियो की लिस्ट मैंने यहां आई बटन पे दे दी है। इस वीडियो को पूरा देखने के बाद जाइएगा वहां पर और उन वीडियोस को भी जरूर देखिएगा, बहुत सारी डिटेल्स आपको यहां से मिलने वाली है। और इस वीडियो को बनाते टाइम मैंने आपसे रिक्वेस्ट किया था कि अगर ये वीडियो 10,000 व्यूज के पार और 1,000 लाइक से ऊपर मिलता है तो मैं आपके लिए बहुत अच्छा टू वे स्लैब का वीडियो लेकर आऊंगा, जो कि आज मैं लेके आया हूं। और सिमिलरली अगर आज आप हमारे इस वीडियो को 51K व्यूज से ज्यादा और 5,000 लाइक से ज्यादा मिलते हैं आज इस वीडियो को, तो आपकी डिटेल पर एक बहुत अच्छा ग्रैंड एंड में मैंने बहुत एक अच्छा पार्ट रखा हुआ है, जो कि सुन के आपको बहुत इंटरेस्ट आएगा। तो बिल्कुल एंड तक बने रहिएगा। 51K व्यूज और 5,000 लाइक्स के लिए हिट करते हैं दोस्तों। अगर ये वीडियो सब तक शेयर करिए, जो भी इंजीनियर्स को इस वीडियो की जरूरत है उन तक ये वीडियो को जरूर पहुंचाएं। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का जो वीडियो लेक्चर है, जो है टू वे स्लैब के बारे में। तो सबसे पहले जो हमको देखना है यहाँ पर टू वे स्लैब के केस में, हमने एक एग्जाम्पल लिया हुआ है यहाँ पर देखिए, आप देख सकते हैं 5 मीटर और 3 मीटर का क्लियर स्पान है स्लैब का, क्लियर। अब इस स्लैब पे फॉर एन एग्जाम्पल जिसके चारों तरफ सपोर्ट आया है हमारे स्लैब पर, क्लियर। अब टू वे स्लैब का जो हम फॉर्मूले के बेस पर पहचानते हैं, वो किस तरह से पहचानते हैं, हम सबसे पहले देखते हैं लॉन्गर स्पान अपॉन शॉर्टर स्पान, हमें पता है जो हमको फॉर्मूला से निकालना होता है। अगर लॉन्गर स्पान अपॉन शॉर्टर स्पान की वैल्यू छोटी होती है 2 से तो वो हमारा कहलाता है टू वे स्लैब। सिमिलरली यहाँ पर देखते हैं 5 जो कि लॉन्गर स्पान है, सिमिलरली शॉर्टर स्पान है हमारा 3, तो जब हम इसका डिविजन करेंगे तो आएगा 1.66 विच इज लेस देन 2। इसका मतलब कि ये जो हमारा स्लैब है वो कौन सा स्लैब है, टू वे स्लैब ये हमारा है। अब टू वे स्लैब के स्पेसिफिकेशन में इसके लोड ट्रांसफर मैकेनिज्म में हमको समझना है कि किस तरह से ये वर्कआउट करता है। तो सबसे पहले टू वे स्लैब में लोड कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है उसको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, ताकि आपको जो इसके बार के प्लेसिंग है, जो रेनफोर्समेंट की पोजिशनिंग है, उसको समझने में बहुत ज्यादा आसानी हो। तो सबसे पहले जैसे कि आप इस स्लैब का पार्ट देख सकते हैं, सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि लोड का डिस्ट्रीब्यूशन मैकेनिज्म क्या होता है इस पे। यहां पर देखिए आप, यहां पर लोड अलग अलग तरह से डिवाइड होता है, जैसे कि हमारा लॉन्गर स्पान है 5 मीटर और शॉर्टर स्पान है 3 मीटर। तो जो लॉन्गर स्पान है उसके पास लॉन्गर सपोर्ट होगा, ये लॉन्गर बीम होगी। अगर स्पान 5 मीटर का है तो बीम उससे बड़ी होगी, क्लियर। सिमिलरली ये स्पान 3 मीटर का, तो बीम 3 मीटर की यहां पर। तो यहां पर जितने ज्यादा स्पान में लोड डिस्ट्रीब्यूट होता है वो होता है ट्रेपेजॉइडल पार्ट पे, लॉन्गर पोर्शन में ट्रेपेजॉइडल पार्ट में लोड डिस्ट्रीब्यूट होता है और शॉर्टर स्पान में ट्रायंगुलर पार्ट में लोड डिस्ट्रीब्यूट होता है। अगर आपको ये पूरा का पूरा लोड डिस्ट्रीब्यूशन मैकेनिज्म सीखना है तो गाइस हमारे कॉर्पोरेट ट्रेनिंग कोर्स में डिटेल पे आपको लोड डिस्ट्रीब्यूशन मैकेनिज्म भी सिखाया जाता है। आप जाकर वेबसाइट पे सर्च करिए, कॉल करिए इस नंबर पर, एप्लीकेशन डाउनलोड करके भी आप देख सकते हैं। हम आगे बढ़ते हैं यहाँ के इसके लोड डिस्ट्रीब्यूशन मैकेनिज्म में, और देखिए यहाँ पर ट्रायंगुलर पोर्शन में इस बीम पे लोड जाएगा। सिमिलरली जो हमारा ट्रेपेजॉइडल पोर्शन है वो इस बीम पर लोड डालेगा अपना पूरा का पूरा। सेम यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर ट्रायंगुलर पोर्शन का लोड इस बीम पर जाएगा और सेम जो ये वाली लॉन्गर बीम है इस ट्रेपेजॉइडल पोर्शन पर इसका लोड जाएगा। तो ये जो फंक्शन में लोड डिस्ट्रीब्यूट होता है पूरे के पूरे टू वे स्लैब के केस में, यही लोड है जो हमारा रेनफोर्समेंट को प्लेस करने में हेल्प करता है, क्लियर।
तो जैसे कि हम सबसे देख पा रहे हैं कि जो सबसे ज्यादा लोड जाएगा वो कौन से बीम पर जाएगा, लॉन्गर बीम पर, यानी कि शॉर्टर स्पान के अलोंग ट्रेवल होगा वो सबसे ज्यादा लोड। क्लियर इंजीनियर्स, यहां पर आप क्लियरली देख सकते हैं कि शॉर्टर स्पान के अलोंग, ये शॉर्टर स्पान, तो शॉर्टर स्पान के अलोंग इस तरह से लोड ट्रेवल होगा अपने लॉन्गर लॉन्गर बीम पर। तो यही वो रीजन है कि स्लैब में जो सबसे पहला बार बिछता है वो शॉर्टर स्पान में बिछता है। वो क्यों बिछता है, क्योंकि सबसे पहला लोड जो जाता है स्लैब के केस में वो जाता है अपने शॉर्टर स्पान के अलोंग। सिमिलरली जब हम टू वे स्लैब की बात करते हैं, तो जब लोड टू वे स्लैब, जैसे आप यहां पर देख सकते हैं एक डायग्राम है, जब लोड इसके सेंट्रल पार्ट, जैसे ही लोड इसके ऊपर आता है पूरा का पूरा लोड, तो ये क्या करता है, लोड जब इसके ऊपर पड़ेगा तो ये क्या करेगा, अंदर जाने की कोशिश करेगा। तो जब ये अंदर जाएगा तो इसके जो चारों कॉर्नर है, जैसे कि आप ये चारों कॉर्नर देख सकते हैं, ये चारों कॉर्नर क्या होंगे, फोल्ड होने की कोशिश करेंगे, यानी कि ट्विस्ट होने की कोशिश करेंगे। वहां पर मैक्सिमम लोडिंग का इफेक्ट जनरेट होगा, इसी वजह से चारों के चारों सपोर्ट अपने जगह से उखड़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन अगर हमने सपोर्ट्स को उखड़ने दिया तो स्लैब फेल हो जाएगा। इसी वजह से जो मैक्सिमम रेनफोर्समेंट पहुंचता है हमारे टू वे स्लैब में, वो मैक्सिमम रेनफोर्समेंट पहुंचता है इसके चारों कॉर्नर्स पर, जिसको हम टॉर्शन जोन भी कहते हैं। क्लियर, इस चारों जोन पर बहुत मैक्सिमम रेनफोर्समेंट पहुंचेगा। हम आगे चल के देखेंगे कि कौन कौन से जोन्स पर मैक्सिमम रेनफोर्समेंट पहुंचता है, आपको आगे समझने को मिलेगा। बहुत अच्छे से मैंने इसको एक्सप्लेन किया, पूरी पोजिशनिंग और प्लेसिंग ऑफ बार। सिमिलरली जैसे कि आप यहां पर देख सकते हैं, यहां पर पूरा रेनफोर्समेंट का एक डायग्राम बना हुआ है, 3D मॉडल है। यहां पर आप देख सकते हैं कि जो दोनों स्पान के अलोंग, ये हमारा शॉर्टर स्पान और ये हमारा लॉन्गर स्पान, तो लॉन्गर और शॉर्टर स्पान दोनों में क्रैंक बार लगा हुआ है। यहां पर कोई भी मेन बार डिस्ट्रीब्यूशन बार नहीं होता, यहां पर दोनों बार मेन बार जैसा एक्ट करता है इनके क्रैंक को सपोर्ट करने के लिए। टॉप डिस्ट्रीब्यूशन जरूर लगता है इसमें, लेकिन यहां पर जो दोनों मेन बार प्लेस होता है वो दोनों को हम मेन बार ही कहते हैं, क्योंकि वो दोनों लोड डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। वन वे स्लैब के केस में, जैसे कि पुराने वीडियो में मैंने आपको बताया था, वो आप वीडियो जरूर जाकर देखिएगा, उसमें सिर्फ एक ही डायरेक्शन के अलोंग लोड डिस्ट्रीब्यूट होता है, इसी वजह से वहां पर एक ही मेन बार आती है। लेकिन टू वे स्लैब के केस में चारों डायरेक्शन पे लोड डिस्ट्रीब्यूट होता है, इसी वजह से यहां पर दोनों डायरेक्शन पे ही मेन बार आती है, उस डिस्ट्रीब्यूशन बार को भी हम मेन बार ही कहते हैं। नेक्स्ट पार्ट आते हैं, इसके आगे चलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं बहुत अच्छे वे में। जैसे कि आप यहां पर देख पा रहे हैं, पूरा का पूरा एक ड्राइंग है, स्लैब बंधा हुआ है, इसमें मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। जैसे कि पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि सबसे पहला काम क्या होता है, सेंटरिंग बिछना। सेंटरिंग बिछने के बाद हम क्या करते हैं, यहां पर मार्किंग करते हैं, जो भी हमारी बार की पोजिशनिंग होगी, प्लेसिंग होगी, वहां पर हम मार्किंग करते हैं। ये वाला जो डिस्टेंस है प्रॉपरली, ये डिस्टेंस है हमारा 3 मीटर, और ये वाला जो हमारा डिस्टेंस है टोटल, ये है 5 मीटर। क्लियर इंजीनियर्स, तो 5 मीटर और 3 मीटर हमारा जो डिस्टेंस है उसमें हमको समझना है कि पोजिशनिंग और प्लेसिंग ऑफ बार किस तरह से हुई है। तो ये हमारा 3 मीटर है। क्लियर, अब 3 मीटर यानी कि हमारा शॉर्टर स्पान है स्लैब का, दिस इज अवर शॉर्टर स्पान। तो शॉर्टर स्पान के अलोंग लोड डिस्ट्रीब्यूट होगा सबसे पहले, तो हमें सबसे पहली बार कहां बिछानी है, इस सेंटरिंग के ऊपर। मार्किंग करने के बाद जो भी आपका वहां पर गिवन रहता है, जो भी डाटा गिवन रहता है आपके ड्राइंग में, स्पेसिंग का, चाहे 100 mm हो, 150 mm हो, 200 mm स्पेसिंग हो, वो कहां से मिलेगा, आपको ड्रॉइंग पढ़ के आपको पता करना पड़ेगा कि क्या स्पेसिंग वहां पर मौजूद है। जैसे ही आपने मार्किंग कर ली स्पेसिंग की, मार्किंग करने के बाद सबसे पहली बार बिछेगी आपकी अलोंग शॉर्टर स्पान, या आपका शॉर्टर स्पान जो कि लोड ट्रेवल करेगा लॉन्गर बीम पर, यहां पर भी एक लॉन्गर बीम होगी। सबसे पहली जो बार बिछेगी हमारी, वो बिछेगी अल्टरनेट क्रैंक मेन बार। सबसे पहली बार बिछेगी हमारी मेन बार बिछेगी इस डायरेक्शन के अलोंग पूरी, लेकिन कैसे बिछेगी, अल्टरनेट क्रैंक। जैसे कि आप यहां पर देख सकते हैं प्रॉपरली पूरा अल्टरनेट क्रैंक है, एक बार यहां क्रैंक हुई है तो उसके एक छोड़ के अगली बार क्रैंक होगी। सिमिलरली वहां पर भी अल्टरनेट क्रैंक पैटर्न पे हमारी बार लगेगी। ये मैंने लास्ट वीडियो में और अच्छे से कवर किया, आप उसको जाकर जरूर देखें, वन वे स्लैब के वीडियो में। सिमिलरली जो हमारा इंडियन पैटर्न है अल्टरनेट क्रैंक लगाने का, वहां पर क्रैंक बार हमारी प्रॉपरली इसी पोजीशन में प्लेस होंगी, इसी पोजीशन पे लगते जाएंगे। जैसे ही अलोंग शॉर्टर स्पान हमारी बार बिछ गई पूरी की पूरी, क्लियर, उसको हमने एक जगह से क्रैंक कर लिया, इसके ऊपर वन वे स्लैब में क्या लगती थी, डिस्ट्रीब्यूशन बार। लेकिन अब यहां पर भी डिस्ट्रीब्यूशन बार ही लगेगी, लेकिन वो कैसा एक्ट करेगी, मेन बार के जैसा एक्ट करेगी, ये भी हमारी क्रैंक बार ही होगी।
यहां पर अब इस डायरेक्शन के जो लॉन्गर स्पान है इस डायरेक्शन के अलोंग भी अल्टरनेट क्रैंक बार पूरी की पूरी इस पैटर्न पर लगती जाएगी हमारे थ्रू आउट स्लैब में। क्लियर इंजीनियर्स, इस तरह से हमारी अल्टरनेट मेन बार लगती जाएंगी पूरी अलोंग शॉर्टर स्पान और अलोंग लॉन्गर स्पान। ये दो बार हमारी बिच गई, सबसे पहली बार कौन सी बिची, अल्टरनेट क्रैंक मेन बार अलोंग शॉर्टर स्पान, ये पूरी की पूरी इस तरह से बिची। इसके जस्ट ऊपर फिर से अल्टरनेट क्रैंक करते हुए यहां पर भी पूरे इस डायरेक्शन पे हमारी मेन बार बिछेंगी। नेक्स्ट जो इसके बाद बात आती है कि जैसे ही हमारी बार क्रैंक चढ़ के ऊपर आती है, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको यहां पर दिखाऊं, जैसे ही हमारी बार इस तरह से क्रैंक चढ़ के ऊपर आती है तो अब इसको क्रैंक को ऊपर वाले पार्ट को सपोर्ट करने के लिए कोई बार हमारे पास नहीं बचती, क्योंकि अगर इसके ऊपर से लोड आएगा, यहां से ऊपर से जब इसके लोड आएगा तो इसको बेंड करने की कोशिश करेगा। क्लियर, और हम काम भी करेंगे यहां पर तो भी इसको बेंड करने की कोशिश करेगा पूरा का पूरा। तो यहां पर इसको सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए आती है नेक्स्ट जो हमारी बार है वो है टॉप डिस्ट्रीब्यूशन बार, जो कि चारों साइड के क्रैंक को सपोर्ट करती है। इस साइड जो क्रैंक चढ़ के आ रहा है यहां पर टॉप डिस्ट्रीब्यूशन लगेगी, उस तरफ जो क्रैंक चढ़ के जा रहा है यहां पर टॉप डिस्ट्रीब्यूशन लगेगा, इस तरफ जो क्रैंक चढ़ के जा रहा है यहां पर टॉप डिस्ट्रीब्यूशन लगेगा, इस तरफ जो क्रैंक चढ़ के आ रहा है यहां पर टॉप डिस्ट्रीब्यूशन लगा हुआ आप देख सकते हैं क्लियरली। तो इस तरह से हमारी बार लगती है। अभी तक हमने तीन टाइप की बार देख ली है। सबसे पहले हमने देखा मेन बार हमारा लग गया, उसके जस्ट ऊपर लगा अल्टरनेट में भी मेन बार, सिमिलरली जैसे ही क्रैंक ऊपर चढ़ के आया तो इन क्रैंक को सपोर्ट करने के लिए लगे पूरे के पूरे डिस्ट्रीब्यूशन बार ऑल अलोंग द डायरेक्शन। अब इसके बाद लास्ट जो हमारी बार है जो इसके ऊपर लगती है वो है हमारी टॉप एक्स्ट्रा बार। आप यहां पर क्लियरली देख सकते हैं कि जैसे कि मैं आपको यहां बताऊं, देखिए ये हमारा एक क्रैंक बार हो गया और ये हमारा एक क्रैंक बार हो गया, सिमिलरली यहां पर भी एक क्रैंक बार है। अब क्या होता है जब हमारे क्रैंक बार अल्टरनेट लगते हैं, एक यहां क्रैंक है तो इधर, तो बीच में जो इनकी स्पेसिंग है वो है डबल हो जाती है। अब उस स्पेसिंग के डबल होने की वजह से जैसे आप देख सकते हैं, अगर हम फॉर एन एग्जांपल माने कि यहां पर 100 mm है यहां पर स्पेसिंग दो बार के बीच का, तो दो क्रैंक बार के बीच का स्पेसिंग कितना हो जाएगा 200 mm। तो 200 mm स्पेसिंग होने के वजह से ये जो क्रैंक ऊपर चढ़ के आता है तो ऊपर वाले जोन पर जो कि हमारा अभी जो मैक्सिमम टेंशन जोन जो बनता है जहां पर हमको रजिस्ट करना पड़ता है, इस ऊपर वाले जोन पर हमारा स्पेसिंग ज्यादा हो जाता है। तो स्पेसिंग को कवर करने के लिए हम लगाते हैं टॉप एक्स्ट्रा, जिसके आप देख सकते हैं प्रॉपरली यहां पर टॉप एक्स्ट्रा बार लगा हुआ है जो कि सिर्फ यहां तक ही आके रुका हुआ है, क्रैंक पोजिशन तक ही, यहां क्रैंक पोजिशन तक ही यहां पर रुका हुआ है पूरा का पूरा टॉप एक्स्ट्रा बार। आई नो इंजीनियर्स, इसके रिगार्डिंग आपको बहुत सारे क्वेश्चन है। इस वीडियो के एंड पे मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट बताने वाला हूं, आप बिल्कुल एंड तक रुकिएगा इस वीडियो में, क्योंकि जो आज शाम को एवरी ट्यूसडे मैं आपके लिए वीडियो बनाता हूं और आज शाम का जो वीडियो आने वाला है उसके बारे में मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दूंगा आज शाम को, जिसमें कि इससे रिलेटेड बहुत सारे प्रॉब्लम के सॉल्यूशन आपको वहां पर मिलेंगे। तो अंत तक बने रहिएगा हमारे साथ। तो यहां पर टॉप एक्स्ट्रा बार को हमको लगाना होता है, प्लेस करना होता है प्रॉपरली। तो इस तरह से जो पोजीशनिंग है और प्लेसिंग है टू वे स्लैब में बार्स की वो टेक प्लेस होती है इस प्रॉपर मैनर पे। अब इसको हम एक एनिमेशन के हेल्प से समझते हैं जो मैंने स्पेशली आप लोगों के लिए बनाया है। और बिल्कुल मैं उन इंजीनियर्स को एकदम बता दूं जिन्होंने कॉर्पोरेट ट्रेनिंग कोर्स लिया है, उनको बिल्कुल भी ये घबराने की जरूरत नहीं है कि सर कोर्स में कब अपडेट होगा टू वे स्लैब। इस वीक में मैं पूरा का पूरा टू वे स्लैब विद इट्स कैलकुलेशन और अच्छा एडवांस वे में बना के आप लोगों के लिए अपलोड करने वाला हूं। तो बिल्कुल घबराइएगा नहीं, जो भी इंजीनियर्स ने कॉर्पोरेट ट्रेनिंग कोर्स ले चुका है इससे और अच्छे वे में मैं आपको डिटेल पर वहां पर पूरा कटिंग लेंथ के साथ एक एक चीज बताने वाला हूं। सिमिलरली यहां पर जो हमारा टॉप एक्स्ट्रा बार लग चुका है, बिटवीन टू क्रैंक्स लगता है हमारा एक टॉप एक्स्ट्रा बार कटिंग करवा के। नेक्स्ट उसके बाद जो हमारा पार्ट होता है, मैंने आपको एक एनिमेशन के हेल्प से आपको समझाने का कोशिश करूंगा कि कैसे कैसे वहां पर बार लगा हुआ है। सबसे पहले ये जो हमारा हो गया सेंटरिंग, यहां पर हमारा 5 meter का स्पान लेंथ है, ये हमारा 3 meter का स्पान लेंथ है। सबसे फर्स्ट पोजीशन जो हमारी फर्स्ट पोजीशन और फर्स्ट प्लेसिंग होगी वो हुई है अलोंग शॉर्टर स्पान अल्टरनेट क्रैंक। एक बार यहां क्रैंक हुआ है तो एक बार इधर क्रैंक हुआ है, इस तरह से अल्टरनेट क्रैंक में पूरा का पूरा हमारा बार प्लेसिंग हुआ है अलोंग शॉर्टर स्पान, यानी कि ये शॉर्टर स्पान इस तरह से पूरा का पूरा बार प्लेस हो गया। क्लियर, फर्स्ट पोजिशनिंग। सेकेंड पोजिशनिंग क्या हुई हमारी,
इस तरह से। अब ये अलोंग लॉन्गर स्पान, ये हमारा लॉन्गर स्पान है 5 मीटर, यहाँ पर हमारा 5 मीटर लॉन्गर स्पान। तो अलोंग लॉन्गर स्पान देखिए पूरा का पूरा हमारा ऑल्टरनेट क्रैंक यहाँ पर भी लगेगा, यहाँ पर एक क्रैंक इधर तो अगला इधर, यहाँ पर क्रैंक फिर यहाँ पर क्रैंक, ऑल्टरनेट पूरा बार प्लेस होता जाएगा। क्लियर इंजीनियर? सिमिलरली जैसे ही मैं फर्स्ट पोजिशन और सेकेंड पोजिशन को मिक्स कर दूंगा जब इसके ऊपर लगेगा, तो हमें कुछ इस तरह से पूरा का पूरा हमारा रेनफोर्समेंट पोजिशनिंग और प्लेसिंग दिखाई देगा पूरी तरह से। अब इसके बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट नेक्स्ट जो थर्ड स्टेज होता है कि फर्स्ट प्लेसिंग हो गई बार की, इसके जस्ट ऊपर ये वाली बार की प्लेसिंग हो गई। अब इसके बाद किस तरह से प्लेसिंग होती है आप एनिमेशन के थ्रू देखिएगा, प्रॉपरली मैं आपको दिखाना चाहूंगा। देखिए अब सबसे पहले ये जो क्रैंक चढ़ के यहां पर आया है और सिमिलरली यहां पर भी जो क्रैंक चढ़ के गया है दोनों डायरेक्शन पे, उन डायरेक्शन के लिए टॉप डिस्ट्रीब्यूशन बार लगता है। सिमिलरली इस डायरेक्शन पे जो क्रैंक चढ़ के ऊपर आया, इस डायरेक्शन पर जो क्रैंक चढ़ के ऊपर गया, उनके लिए भी पूरा का पूरा टॉप डिस्ट्रीब्यूशन बार यहां पर आता है। तो हमने क्या देखा कि सबसे पहली पोजिशनिंग हो गई अलोंग शॉर्टर स्पान, दूसरी पोजिशनिंग अलोंग लॉन्गर स्पान, तीसरी पोजिशनिंग हो गई इस डायरेक्शन के क्रैंक के लिए टॉप डिस्ट्रीब्यूशन बार, सेम इस डायरेक्शन के लेंथ के लिए टॉप डिस्ट्रीब्यूशन बार, क्रैंक के लिए टॉप डिस्ट्रीब्यूशन बार लग गया। अब सेम अब यहां यहां क्रैंक है तो इस साइड भी क्रैंक है, तो यहां पर के क्रैंक को भी सपोर्ट करने के लिए इस डायरेक्शन पर भी टॉप डिस्ट्रीब्यूशन, यहां पर भी टॉप डिस्ट्रीब्यूशन। तो इस तरह से हमारी और अलग अलग पोजिशनिंग पे बार लग गई। ये हो गई हमारी थर्ड पोजिशन और ये हो गई हमारी फोर्थ पोजीशन। तो थर्ड और फोर्थ पोजीशन पे भी जैसे हमारी बार लग गई पूरी की पूरी, अब आती है फाइनल और लास्ट बार जो कि है टॉप एक्स्ट्रा। और टू वे स्लैब के केस में टॉप एक्स्ट्रा थोड़ा अलग तरह से लगता है, जो कि समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और जरूरी है। तो इस केस में हम देखते हैं कि किस तरह से वो टॉप एक्स्ट्रा लगती है और कहां पर आती है, एक एनिमेशन की हेल्प से देखते हैं ताकि आपको और क्लियर हो और मैं भी आपको और डिटेल पर इस चीज को समझाऊंगा इस वीडियो में। नेक्स्ट अब हम नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं और सबसे पहले कुछ डिटेल्स देखते हैं, फिर मैं आपको और बताता हूं प्रॉपरली। टू वे स्लैब में लोड ट्रेवल्स अलोंग शॉर्टर स्पान फर्स्ट, हमेशा ध्यान रखिए जो शॉर्टर स्पान रहेगा उसमें लोड सबसे पहले ट्रेवल होगा, क्योंकि उसके पास कौन सा सपोर्ट है, लॉन्गर सपोर्ट पे वो सबसे पहले जा रहा है। मेन बार इज अलोंग बोथ द स्पान, दोनों स्पान के अलोंग मेन बार आती है हमारी, सपोर्ट बाय फोर साइड, चारों साइड से सपोर्टेड रहता है वो। डाई ऑफ मेन बार यहाँ पर हमारा गिवन है 10 है, एट द रेट 200 सेंटर टू सेंटर, यानी कि 10 mm डाई का बार है एट द रेट 200 सेंटर टू सेंटर के स्पेसिंग में हमने लगाया हुआ है। सिमिलरली डाई ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बार कितना आ रहा है हमारा, जो इस तरह से जो डिस्ट्रीब्यूशन बार लगी यहाँ पर गिवन है 8 है एट द रेट 200 सेंटर टू सेंटर, 8 mm डाई का है, 200 के सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग में लगा हुआ है। ये जो भी डाटा गिवन है इंजीनियर से पूरा पूरा आपके ड्राइंग पे गिवन होता है, आपको कहीं से भी फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं होती, जो भी ड्राइंग आपके पास साइट पर आती है वहां पर ये डाटा गिवन होता है। लेकिन अगर आपको ये सब का डिजाइनिंग सीखना है तो आप सीख सकते हैं कॉर्पोरेट ट्रेनिंग कोर्स में, उसके स्ट्रक्चरल डिजाइनिंग के पार्ट पे सारी की सारी चीजें डिजाइन करना भी सीख सकते हैं, और मेरे साथ आप डिटेल पर सीख सकते हैं पूरे के पूरे प्रोजेक्ट का बार बेंडिंग शेड्यूल को कैलकुलेट करना। नेक्स्ट हम यहां पर देखते हैं स्लैब थिकनेस कितना गिवन है, 125 mm हमारा स्लैब थिकनेस यहां पर गिवन है। नेक्स्ट चीज की हम बात करते हैं कि अब मैं आपको दिखाऊं कि इसकी प्लेसिंग और पोजीशनिंग कैसे होगी। ये समझ लीजिए मेन बार लग चुकी है हमारी, है ना। अब मेन बार के बाद देखिए पोजीशनिंग क्या आएगी, इस साइड के क्रैंक के लिए टॉप डिस्ट्रीब्यूशन, उस साइड के क्रैंक के लिए टॉप डिस्ट्रीब्यूशन, इस तरह से हमारी रखा रही आप यहां पर क्लियरली देख सकते हैं। सेम इस वाले पार्ट के लिए क्रैंक के लिए यहां टॉप डिस्ट्रीब्यूशन, इस वाले पार्ट के लिए क्रैंक के लिए यहां पर टॉप डिस्ट्रीब्यूशन आएगा, अभी क्लियरली आप देख सकते हैं पूरा का पूरा। जैसे ये टॉप डिस्ट्रीब्यूशन आ जाता है अब आती है हमारी इसके बाद टॉप एक्स्ट्रा बार। ये देखिए आपको सिर्फ इतने डिस्टेंस पर ही हमारी टॉप एक्स्ट्रा लगेगी हर एक डायरेक्शन के अलोंग। अब यहां पर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है समझने का वो ये है कि आप देख रहे होंगे टॉप एक्स्ट्रा सिर्फ इतने पार्ट पर ही लगी है, यहां डिस्ट्रीब्यूशन बार जहां पर आ रहा है और यहां पर भी ये जो ब्लू वाला डिस्ट्रीब्यूशन बार आ रहा है वहां पर नहीं लगी है। सिमिलरली जब इस डायरेक्शन पे टॉप एक्स्ट्रा की बात करते हैं तो यहां पर जितने में क्रैंक चढ़ा है यहां पर भी जितने में क्रैंक चढ़ा है पिंक वाले डिस्ट्रीब्यूशन बार आ रहा है वहां पर भी क्रैंक टॉप एक्स्ट्रा नहीं लगा है। सिमिलरली इस डायरेक्शन पे वैसे ही हो रहा है और इस डायरेक्शन के अलोंग भी वैसे ही हो रहा है। और टॉप एक्स्ट्रा कहां पर लगता है, जहां पर बार नीचे से जाती है उसके जस्ट ऊपर टॉप एक्स्ट्रा लगता है। अगर उस साइड क्रैंक है तो इस साइड डाउन होगा तो यहां पर टॉप एक्स्ट्रा लगेगा, अगर इस साइड क्रैंक आया है उस साइड डाउन है तो वहां पर उसके ऊपर टॉप एक्स्ट्रा लगने वाला है। तो अगर इस केस में टॉप एक्स्ट्रा क्यों लगता है, क्योंकि अब मैं बताऊं अगर ये टॉप एक्स्ट्रा को अगर हम यहां पर पुट करते तो यहां पर तो पहले से डिस्ट्रीब्यूशन बार आ रहा है, ये जो ब्लू वाला डिस्ट्रीब्यूशन बार है, क्योंकि यहां पर कोई भी बार ना होने के वजह से इनके स्पेसिंग पर फर्क आ रहा था।
क्लियर। लेकिन जैसे ही अपने सपोर्ट्स पे पहुंचते हैं तो यहां इनको डिस्ट्रीब्यूशन बार मिल जाती है। सिमिलरली यहां पर भी डिस्ट्रीब्यूशन बार मिल रही है, यहां पर भी डिस्ट्रीब्यूशन बार मिल रही है। अब हम जैसे बोलते हैं कि पूरा 5 मीटर का लंबा स्पान है, तो यहां पर यहां से यहां तक जो एल बाय फोर का डिस्टेंस है, मैं आपको बताऊं एल बाय फोर, सिमिलरली यहां से यहां तक का एल बाय फोर, एल बाय थ्री टू एल बाय फोर जोन होते हैं। इस वीडियो के एंड पे आप रुकिएगा, मैं आपको जरूर बहुत सारी इंपॉर्टेंट डिटेल्स बताऊंगा। इस एल बाय फोर और इस एल बाय फोर जोन में टॉप एक्स्ट्रा नहीं आने वाला, क्यों? क्योंकि यहां पर डिस्ट्रीब्यूशन बार आया है, तो ये डिस्ट्रीब्यूशन बार ही यहां पर टॉप एक्स्ट्रा का हेल्प कर देता है पूरा का पूरा। सिमिलरली इस केस पे भी ये जो 3 मीटर का टोटल स्पान है हमारा, शॉर्टर स्पान 3 मीटर, यहां पर इस केस में एल का वैल्यू कितना है 5 मीटर, और इस केस में यहां पर एल बाय फोर पे जितने में ये टॉप डिस्ट्रीब्यूशन आएगा वो कितना आएगा एल बाय फोर। सिमिलरली यहां से भी एल बाय फोर और यहां पर एल की वैल्यू कितनी है 3, तो उतने पार्ट पर ये टॉप एक्स्ट्रा नहीं आएगा, क्योंकि यहां पर ये पिंक वाली डिस्ट्रीब्यूशन बार ये टॉप एक्स्ट्रा का काम कर दे रही है ऊपर, क्योंकि सारी की सारी ऊपर लगी है, क्रैंक बार भी ऊपर चढ़ के जा रही है, टॉप एक्स्ट्रा भी हम ऊपर लगाते हैं ऊपर को सपोर्ट करने के लिए जहां पर क्रैंक नहीं आ पाता। तो ये पूरी की पूरी क्रैंक और टॉप एक्स्ट्रा बार इस तरह से प्लेस होती है, इस तरह से इसको पोजीशनिंग करना होता है। तो इस वे में ये पूरा का पूरा सेटअप, ये पूरा का पूरा अरेंजमेंट होता है, बार किस तरह से प्लेस होती है, हमको सबसे इंपॉर्टेंट ये समझ रहे हैं कि प्लेस कैसे होती है, इसकी पोजीशनिंग कैसे होती है, जो कि आज इस वीडियो में मैंने आपको डिटेल पर बताया। अगर आपके वीडियो पसंद आया तो इंजीनियर से जरूर शेयर करिए, क्योंकि अगर ये वीडियो का 51K व्यूज से ज्यादा पहुंचाते हैं और 5000 लाइक से ज्यादा पहुंचाते हैं, तो आई रियली सपोर्ट यू कि आप जो भी मुझसे डिमांड करेंगे, जिस भी टॉपिक्स पर वीडियो बनाने बोलेंगे उसी टॉपिक्स पर मैं आपके लिए वीडियो बना के लाऊंगा। तो प्रॉपरली होपफुली इंजीनियर से पूरा थीम पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। आपके जो भी डाउट्स है क्वेरीज हैं वो आप मुझसे पूछ सकते हैं, और जो मैंने आपको बताया था कि स्पेशल वीडियो मैं आपके लिए बनाने वाला हूं, इस वीडियो के एंड पे जो मैंने आपको कहा था स्टार्टिंग में बताऊंगा, स्पेशल वीडियो ऑन योर डाउट्स एंड क्वेश्चंस आज शाम को 7 बजे, मार्क माय वर्ड्स, आज शाम को 7 बजे वीडियो लॉन्च होने वाला है। ये वीडियो में वो सारे के सारे क्वेश्चंस होंगे जो आपने मुझसे वीडियो में कमेंट करके डाउट के दौरान पूछे हैं। अगर आप इस पैटर्न को और आगे बढ़ाना चाहते हैं तो नीचे कमेंट करिए यस, और मुझे बताइए कि आपको आज का वीडियो लेक्चर कैसा लगा और क्या सारी नई चीजें आपको सीखने को मिली। आज शाम को 7 बजे मैं आपके लिए जो वीडियो बनाया है मैंने पूरा प्रिपेयर करने वाला हूं, जो आपने मुझसे क्वेश्चंस पूछे हैं पुराने कमेंट्स पे, उसके बेसिस पर ये पूरा वीडियो रहेगा। तो गाइज यहां पर जो हमारा वीडियो है वो हम एंड करते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए आए तो सब्सक्राइब किए बिना नहीं जाइएगा, वहां पर एक लाल बटन दिख रहा है उसको जोर से ठोक डालिए, और सिमिलरली हमारे वीडियो को लाइक करिए, बेल का आइकॉन जरूर दबा दीजिए ताकि लेटेस्ट अपडेट इस वीडियो के आपको मिलते रहे। तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको रिक्वेस्ट किया है कि 51K व्यूज से ज्यादा अगर ये वीडियो पहुंचता है और 5000 लाइक से ज्यादा मिलते हैं, तो आपके डिमांड पर जो भी आपके कमेंट्स में क्वेरीज रहेंगे उससे रिलेटेड मैं आपके लिए वीडियोस लाते रहूंगा। तो दोस्तों इसी जोश और जुनून के साथ मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।